जय जय राम Rashid bhai, microphone share bada wireless share. Sri Ramanand Swami ki jai. आप सब भाई बहनों ने मारी नम्र विनंती है कि स्टेप बाय स्टेप पादुकाना दर्शन करी पगे लागी अने सीट पर बेसी जाओ. શરૂઆત કરો બેન તમે અહીંથી. તમારા કે દિવસથી બેન થઈ ગયા? શ્રી રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હેલો હેલો ધન્ય આજની घड़ी रविया बड़ी आरे आजनी घड़ी रविया बड़ी आरे बड़ी आजनी घड़ी रविया बड़ी आरे मदा सूची अभी मदा घड़ी होती आजनी घड़ी रलिया मड़ी हरे आज आजनी घड़ी रलिया मड़ी हारे में तो लीला पीला वासा बढ़ाविया हारे में तो लीला पीला वास बढ़ाविया आजनी घड़ी रहिया मरी आरे आजनी घड़ी रहिया मरी हारे में तो आसो पालवना पंधाविया सो तालन तो बाविया आने आने हरे धन्य आजनी घड़ी रलिया मणि जी मारा गुरु जी ने मोती रे बताविया होती रे बताविया होती रे आजनी घड़ी रलिया मणि हरे बाबू आजनी घड़ी रलिया मणि हारे में तो यमुना नीर मंगाविया हारे में तो यमुना नीर मंगाविया हारे मारा गुरु जी ना चरण पखाड़िया जीरे पखाड़िया धीरे आजनी घड़ी रलिया मणि हारे आजनी घड़ी रलिया मणि जननी गरीब ભાઈઓને બહેનોને નમ્ર વિનંતી છે કે તમારી જગ્યા પરથી ગુરુજીના પ્રણામ લઈ લો, દર્શન કરી લેવો. ઓકે, કારણ કે આમાં આપણને ટાઈમ ઘણો લાગશે, તો આપણે બધી બહેનો બેસી જાય. પછી આ ભાઈઓ જે બોબભાઈ છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ ભજન ચાલુ કરશે, એમાં આપણને ઘણો રસ લાગશે, ખબર ને? આમાં આપણો ઘણો ટાઈમ બગડશે. Sorry. Yeah. Thank you, everybody. અને જાણીતા ભજનો ગાઈ રહ્યો છું, એટલે એકી સાથે 2-4-5 ભજનની લયમાં બધા જોડાઈ જજો, કશો વાંધો નહીં. બોલીએ શ્રી ગણપતિ ગજાનંદ મહારાજ કી જય. તેરે દ્વાર ખડા રે ભગવાન, भगत भर रे झोली, भगत भर रे झोली. तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर झोली, भगत भर झोली. हे तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर खड़ा रे भगवान हो. पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्जन जाने को, हर दिन जाने को पिंजरे के पंछीरे तेरा हर दिन जाने को तेरा हर दिन जाने को सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन छोड़ सकल अभिमान जरा तू कर ले मेरी पहचान भगत भरते रे जो भगत भरते रे जोली तेरे पार खड़ा रे भगवान भगत भरते रे जोली भगत भर ले जो कह ना सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे कह ना सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी विधि ने तेरी कथा लिखिया सुमे कलम को तेरा कर जाने को तेरा कर जाने को पिंजरे के पंछी पार खड़ा रे भगवान हो तेरे पार खड़ा रे भगवान भगत भरते जो भगत भरते जो ये तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान भगत भरते रे जोली भगत भरते रे जोली पिंजरे के पंछी आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा तू छोड़ सकल अभिमान मर कर ले रे तू अपना दान भगत भरते जोली भगत भरते रे जोली मेरे द्वार खड़ा रे भगवान हो, चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के ताले रे, चुप के रोने वाले रखना दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है पगले कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान हो, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। रघुपुर आत्मा में लोहाना निजात्मा वीरपुर गाम जन्म धारी भक्त बीड़ भांडवा अन्नदान आपवा संत पधायरा देहदारी रे जीरे, संत पधायरा देहदारी आला जितारा हो, आला जितारा हो, आला जितारा हाथ बखानो चितारा पगला बखानो, आला जितारा हाथ बखानो, आला जितारा पगला बखानो। कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी जो वादारी गिरदारी गिरदारी रहे राधे प्यारी में बलिहारी गोकुलिया ओ गिरदारी गिरे गोकुलिया ओ गिरदारी गिरे सौतरिया ओ गिरदारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वीरपुरवारा जोगी जलियान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए सदगुरु देव की जय, उमापति महादेव की जय। Thank you. चालू है मंगलम भगवान विष्णु No. All that. You will not go in there. Repent by. Yeah, but wait. I'm locked in. थोड़ा तगड़ो छू ने એટલે નીચે થી નહીં જવાય. वो आ गया. ओ ये वाला. ओ ओके. और सही पे कुछ करो. वो कम करना के लोग मरतो होई ने તે कुछ ખાવાનું. तेरा तो ठीक है. एक मिनट भय थी गया वॉल्यूम आई माइक्रोफोन वॉल्यूम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वभद्र मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् एताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैरभ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिवादिसेदमनसं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं तदुजबलकृशानुं ज्ञानेनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वासजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हनुमान सुजानत रामन तू रघुनायक के प्रिय पायक वो बलहंतक बैरी अनंतन को सुर संतन के सुखदायक वो कपिनायक का सुकरा बिनते असहायक तू ही सहायक हो कपिनायक का सुकरो विनती असहायक तू ही सहायक हो भव खेद हरो निज दासन के बुध देव कहें सदलायक हो, बुध देव कहें सदलायक हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएत इनके पद बंदन किए। नासहि विघ्न अनेक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। पर सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से बोलो। आज फिर मालूम पड़ा कि यहाँ कुछ हो रहा है। हम सब भगवान के जो है सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्यावर रामचंद्र उमापति महादेव की जय। और जोर से बोलो। और श्री पवन से तो हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर सत्संग भी सुनेंगे आप सब। श्री राम जय जय राम, Sri Ram Jaya Jaya Ram, Jaya Jaya Vighana Harana Hanuman, Jaya Jaya Vighana Hanuman, Sri Ram Jaya Jaya Ram, Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, हिमालय निवासी, महामंडलेश्वर सोनमूर्ति श्री रामदास जी महाराज। भाइयों बहनों, आज हम सबको यहाँ प्रसिद्ध भाई हंसा बहन ने जो हम सबको लाभ दिया है। ये हम सबका सौभाग्य है, ऐसे संत महापुरुष पधारे हुए हैं। निरीशम जी हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अबिनु हरि कृपा नहीं नहीं संता। संत विशुद्ध निदहि परितेहि, अचित बहि राम कृपा कर जेहि। निरीक्षण जी श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज, जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है तब ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन होता है। संत विशुद्ध निदहि परितेहि, चित बहि राम कृपा कर जेहि। संत महापुरुषों का दर्शन उसी को होता है, उन्हें लोगों को होता है कि जिस पर कृपा दृष्टि से भगवान श्री राम देखते हैं। चित बहि राम कृपा कर जेहि जेहि। श्री राम जी जिस कृपा दृष्टि से देखते हैं, कितनी बड़ी बात है और कितनी सुंदर बात है, कितनी मीठी बात है कि जिस पर राम की कृपा होती है। जब दबहि दीन दयाल तब साध संगत पाइए। जब प्रभु की कृपा होती है, श्री राम की कृपा होती है, तभी संत महापुरुषों का दर्शन होता है। और संतों का दर्शन से क्या होता है? संतों के दर्शन से उसी प्रकार से लाभ होता है जिस प्रकार से दिन भर का जो तपन होता है। सरदा तपि निशे अपि हरई, असंत दरस जिन पाप कटरई। जिस प्रकार से चंद्रमा दिन भर का ताप को अपने नृत्य की वर्षा से शांत कर देता, ठंडा कर देता, शीतल कर देता, शांति प्रदान करता है, इसी प्रकार से संतों के दर्शन से सब अलाय बेलाय पाप आदि समृष्ट पाप दर्शन पंथ। जिस प्रकार संतों का दर्शन करने से भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, भगवान श्री राम परमेश्वर पर्वत पर स्कंधा में चतुर्मासा कर रहे हैं। उस समय भगवान श्री राम ने चतुर्मासा का वर्णन किया है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, कितनी सुहावनी रात है, कितना सुंदर दिवस है, कितना सुंदर एक चंद्रमा की किरणें फैल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोष, सुप्रदा लक्ष्मी पापियों के घर होए। पत्नी पुत्र पुत्री परिवार घर द्वार राजपाट वैभवैश्वर्य, तो पापी क्या भी होता है। पर पापी क्या होता है, ऐसा क्यों? वो पापी पूर्व जन्म में पुण्य किया हुआ है। ये जो कुछ वैभव मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, मान प्रतिष्ठा मिलती, अधिकार मिलता, सुख शांति मिलता है, ये पूर्व जन्म की कमाई है। हम जो पूर्व जन्म में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, पूरे जन्म जो हमने कमाई की है वो हमको मिला हुआ है, प्राप्त मिला हुआ है। सुंदर परिवार है, पत्नी अच्छी है, आज्ञाकारिणी है, माता पिता की कृपा है, भाई बंधु स्वजन संबंधी सभी हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हमको आदर देते हैं, नमस्कार से प्रणाम करते हैं। ये सब अपने कर्मों का फल है, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करई सो तत्फल चाखा। यह कर्म की प्रधानता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। कर्म की प्रधानता कर्म भूमि है। और सुप्रतिलोक में जो जन्म देता है, मानव शरीर मिलता है, प्राप्त होता है, और मानव शरीर धारण करके जो मनुष्य जन्म का कर्तव्य समझकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसी का जीवन धन्य है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, और भजिय नाम सब काम बिहाई। मनुष्य धन करने का फल यही है कि जो सब कुछ प्राप्त हुआ है। अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, भगवान वामन बने महाराज के छलने गए थे, उनके गम यज्ञ पूर्ण करने में विघ्न डालने गए थे। भगवान वामन इंद्र के भाई हैं, कश्यप के पुत्र हैं, और कश्यप की माता अदिति के सभी पुत्र हैं देवता, और दिति के दैत्य राक्षस आदि हैं। भगवान मांगने गए सुनने का भजन है, कितना सुंदर भजन है। यदि ऐसा भजन सुन करके हमारे हृदय कपट खुल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो कहने का तात्पर्य रहा, भगवान वामन महाराज जब बलि की यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षुक बन के गए। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान जो सबका दाता है, सबको देने वाला है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम ही है और सारी दुनिया भिखारी है, सब भिक्षा मांगते हैं। चाहे आप धन मांगो, तन मांगो, पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, स्त्री मांगो, राजपाट मांगो, जो कुछ मांगो सब मांगते रहते, दिन रात्रि सर्वस्व मांगते ही रहते हैं। भगवान हमारे ऐसा हो जाए, भगवान मेरा ऐसा हो जाए, भगवान मेरा जो बढ़िया बगाना बन जाए, 2-4 बंगले बन जाए और मोटर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। दुनिया के दिन रात्रि भगवान से मांगते ही रहते हैं और भगवान देते रहते हैं। उनका काम देने का है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर प्रार्थना की है भगवान श्री राम से, तू दयाल दीन हो, तू दानिहा भिखारी हो, प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कमन मोसो, मोसमान आरत नहीं आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हम जीव तुम्हें ठाकुर हो चेलो, तात मात गुरु सखा तू सब दिद हित न रो। तो ही मोहि नात्यनेक मानिए जो भावे, ज्यों फिर पुसी कृपाद चरण शरण थावे। अब देखिए इस पद में कितना आनंद है, कितनी प्रार्थना है। गोस्वामी तुलसीदास का रस भरा, कितना प्रेम भरा हुआ है, कितना समर्पण भरा हुआ है। गोस्वामी जी ने अंतिम विभिन्न पत्रिका पुस्तक बनाई है, उसमें तो प्रार्थना प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री सीताराम जी पास ले गए, उस प्रार्थना को स्वीकार किया। तू दयाल दीन हो, प्रभु आप दीन दयालु हो, मैं दीन हूँ। ये संबंध जोड़ा है गोस्वामी जी ने, हमारा और परमात्मा का संबंध कैसा है। अनेक प्रकार संबंध है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी आपको अच्छा लगे मान लीजिए, किंतु मुझे अपना मान लीजिए, क्योंकि जब तक परमात्मा अपने स्वीकार नहीं करता है तब तक जीव का कार्य नहीं होता है। परमात्मा कब स्वीकार करेगा? जब हम परमात्मा स्वीकार करेंगे, हम परमात्मा समर्पण हो जाएंगे सब कुछ। आप देखिए, मैं बड़ी की बात सुना रहा था आपको। महाराज बलि को वामन भागन छलने गए। महाराज ने बलि ने सुना कि बट प्रथाचारी तेजस्वी आए, एक एक ऋषि महर्षि प्रत्यदर्शी ज्ञानी सब वहां पर आगंतुक आए थे। शुक्राचार्य जैसे महर्षि जिनको दूसरे सृष्टि करने का शक्ति थी, दत्त गुरु शुक्राचार्य। जब रेखा शुक्राचार्य थे तो जो है ये रामधोनी आ गया छलने के लिए, कुछ कुछ करेगा ये। महाराजा बलि देखे कि कर्मचारी ब्राह्मण का पुत्र आया हुआ है। महाराजा बलि गए, प्रणाम के नमस्कार किया, आगतम स्वागतम प्रभु, अच्छी कृपा की आपने दर्शन दिया है, प्रभु मैं क्या आपकी सेवा करूं। भगवान बाले ने हंस के कहा कि राजन सेवा करोगे? मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं सेवा के लिए कार्यक्रम रख रखा है। अरे सबको बुलाया है यहाँ पर, जो तो सब सेवा करने के लिए बुलाया है, सबका कल्याण करने के लिए बुलाया है, सबका हित करने के लिए बुलाया है, सबको सुख शांति के लिए बुलाया है। आज्ञा के लिए मैं क्या आपको सेवा करूं? तो ठीक है राजन, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पद भूमि चाहिए। महाराजा बड़ी हंसने लगे, अरे ये 52 अंगुल का बालक, 52 अंगुल का, 52 इंच का शरीर, भगवान 52 का, बोले 3 तल की भूमि। अरे महाराज क्या मांग रहे हो बात? और वृक्ष के नीचे जाकर के और दरिद्रता की बात करना? अरे मांगिए, राजपाट वैभव जो कुछ मांगिए भाभी सब आपको देगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, बलि मुझे तो बस सिर तक भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, चलिए आप तो देते हैं। बस दिन जब भगवान, आप सभी जानते हैं, सब कथा सुन रहे हैं, श्रीमद भागवत में सब कथा है, किंतु भक्त और भगवान का जो संबंध है, महाराजा धरी जैसे दानी नहीं और भगवान बावन जैसे धक्षक नहीं, भगवान स्वयं धक्षक बनकर बाबू महाराजा बरी के पास गए हैं। पिंड पद भूमि जब भगवान पद बढ़ाने लगे, बढ़ाते गए, एक पद में दो पद, तीसरा पद खाली रह गया, ब्रह्मा दुख गया। ब्रह्मा भगवान का पद गया तो ब्रह्मा ने तुरंत धो करके कमंडल में रख दिया। वही तो गंगा अब आजकल जो है प्रवाहित होकर के सबका कल्याण कर रही है। जो भगवान की चौदक है, चौदक क्षरण है, वही गंगा की प्रवाहित हुआ है। भगवान माता गंगा भगवान के चरण कमल से निकली हुई है, विस्तृत हुई है, साक्षात विष्णु रूप है गंगा। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख दिया, कहने का तात्पर्य तीसरा पद भगवान का जो है खाली रह गया। बोले बाली, अरे पाँव कहाँ रखूं? बोले प्रभु लेट गया। अरे भक्त मेरी का नाती है महाराजा बली। महाराजा बली भाई धर्मात्मा थे, पुणात्मा थे। महाराजा बली देव होते हुए भक्त के खानदान में उनका जन्म हुआ है। जिसका भक्त के घर में, श्रीमान के घर में जन्म होता है, वो भक्त के जैसा होता है। वो सारे अपना तो कल्याण करता ही है, परिवार का कल्याण करता ही है, किंतु सारे संसार का कल्याण कर देता है। महाराजा बली, उनकी पत्नी ने कहा, महाराज अभी हम बाकी हैं। महाराजा बली बैठ गए और बोले, मुझे नाथ दीजिए। ये समर्पण है और यही भक्ति है। जब समर्पण भाव आ जाता है, भगवान भक्त के दर्शने हो जाते हैं। भगवान ठगने गए थे, ठगने गए थे कि खुद ही ठगा गए, खुद ही छला गए। बोले उठो बलि, बस हो गया। बलि को उठा के और प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं धन्य हूं, मेरा पोता इस प्रकार से भगवान को समर्पित हो गया। भगवान वामन महाराज बलि को उठा के गणेश लगा दी और बोले, मैं तो तुमको ठगने आ गया था, किंतु खुद ठगा गया। जब हम भगवान समर्पित हो जाते हैं तो हमारे सारी गलती भगवान भूल जाते हैं, प्रेम विभोर हो जाते हैं और वो सोचते थे इसको क्या कह दूं। इसलिए कहा गया है, गोस्वामी जी ने कहा है कि मोर सुधार नहीं सो सब भाती, सजासु कृपा नहीं कृपा यघाती। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम सब प्रकार से मेरा हित करेंगे, सब प्रकार से सुधार करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा कृपा करने नागात्री कभी तब तो नहीं होती है। वो कृपा क्या है? माता जानकी है, भगवान सुख स्वरूप है, माता से सीता जी शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप। क्योंकि ऐसा गोस्वामी जी मानसी वशिष्ठ जब भगवान से नामकरण करते हैं तो उनकी महिमा गाते उन्होंने कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रोलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सागर है, सुख का भंडार है, विश्राम का स्थान है। हमें विश्राम तो राम जी के चरण कमल में कहीं विश्राम नहीं है, कहीं भी विश्राम नहीं है। चाहे वो घर हो, द्वार हो, परिवार हो, कितने नाते हैं, कहीं हमको विश्राम नहीं है। जब तक हम राम को होकर के नहीं रहेंगे, राम के संबंध नहीं होंगे, तब तो हमको विश्राम नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको विश्राम देने वाले, शांति देने वाले, सुख देने वाले श्री राम हैं। तो जो आनंद का सागर है, सुख का भंडार है और विश्राम का स्थान है, इसलिए अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारे महापुरुष विराजमान है, श्री हरिरामदास जी महाराज, आप उनके समर्थ को स्मरण करें, जल धन्य करें। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर तो वो एक बात सुना दू आप सबको, क्षण भंगुर जीवन की कविया कलपात को जान खिली न खिली, मंडया चलकी सुच शीतम मंद सुगंध निधि नंदी कविकाल कुठार लिए फिरता अंत समय ने झिली न झिली रच ले हरिनाम हरि रसना अंत समय ने हिली न हिली। बस भगवान के साथ हमारा अनेक नाते हैं, भगवान से जो माने मान लें, परंतु बस भगवान को समर्पित हो जा, जैसे महाराज गबन समर्पित हो गए। तो भगवान आज भी उनके द्वारा ड्यूटी दे रहे हैं पहरेदार के जैसे, आज भी ये सबको मालूम है। ये समर्पण भाव है, इसलिए समर्पित हो जाओ और भगवान का नाम जपो, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ निदान की विश्राम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आप सबके समक्ष श्री रामायणी जी महाराज भक्तराज बलि, जिनका दान त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गया, लोग कहते हैं बलिदान। एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपने आप का सर्वस्व परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित किया। लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था। आप सब देखते हैं रामायणी जी ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, मति कीरत गति भूत भलाई, जब जे ही जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग कृपा लोकहु वेद न आनुपा। किसी व्यक्ति को परमात्मा ने अगर सुबुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, किसी का यश चारों ओर फैल रहा है, किसी ने जीवन का परम ध्येय परम लक्ष्य प्राप्त किया है, सुगति पाई है, उसके द्वारा सत्कर्म हो रहे हैं, इन सब के पीछे सत्संग का प्रभाव, संत महानुभावों का आशीर्वाद प्राप्त। अगर संत लोकों को वेद न आनुपाओ, लोक में और वेद में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। कभी कभी देखा जाता है प्रताप भानु जैसा राजा रावण बन जाता है और उसके पास बहुत अधिक धन ऐश्वर्य दिखाई देता है, अंतिम में रहा नकुल को रोगन हारा, राम विमुखस हाल दुहा। भगवत विमुख हो जाने से इंद्र से अधिक जो ऐश्वर्य का भोग कर रहा है वो रावण बड़ी निकृष्ट गति को प्राप्त हो जाता है, निकृष्ट गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, भगवान के हाथों से उसका मरण होता है। तास तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज जो है भगवान के अंदर समा जाता है, परंतु धन ऐश्वर्य भोगते हुए उसकी यह स्थिति हुई कि उसके सामने उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसका संपूर्ण राज वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो गया, उसका जो सिर अभिमान से भरा हुआ सिर भूमि पे पड़ा हुआ था, उसको गीद सियार इत्यादि आशा कर रहे थे कि यहाँ से भीड़ छटे और हम इस पे अपना कब्जा करें। ये सब क्या है जीवन, जरा आप विचार करें। भगवान ने हमको जीवन दिया है और कबहू की कर करना न दे, उसमें भी मानव जीवन दे दिया, बहुत बड़ी कृपा है, करना है उनकी। आप देखते हैं 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान ने बनाए, उन सब शरीरों में कुछ ना कुछ गुणों की विशेषता है। गीध सड़े गले मांस खाने वाला, बहुत दूर तक देख सकता है, उसकी दृष्टि जो है गीध ही दृष्टि अपार। बहुत से पशुओं की ध्यान शक्ति आप देखते हैं, जैसे पिपीली का चींटी कीड़ी कहीं भी कोई ऐसा पदार्थ गिरा होगा वहां पहुंच जाती है, उसकी गंध उसको मिल जाती है, ध्यान शक्ति उसकी बहुत अच्छी। और भी पशु पक्षी जितने हैं हरे को कुछ ना कुछ विशेषता दी, कोई आकाश में उड़ सकता है, कोई पानी में तैर सकता है और कोई अपने बल और पौरुष से शेर इत्यादि, हाथी इत्यादि, घोड़े इत्यादि अपनी ताकत से पहचाने जाते हैं। सब में कुछ ना कुछ विशेषता। परंतु मानव को जो भगवान ने ये जो हाड़ मांस का पुतला दिया है, और वो भी कहते हैं कवाहों की कर करना न दे, भगवान करुणा करते, भगवान करुणा सिंधु है, कृपा सिंधु है। देखो कृपा और करुणा, दया। कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता है, व्यक्ति को दया आती, उसके दुख को दूर करने के लिए चेष्टा करती। परंतु करुणा जो है एक स्वभाव है, भगवान बिना करुणा किए रह नहीं सकते। मेघ में जल भरा हुआ है, मेघ को बरसना ही होता है। भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो स्वरूप है वो तो करुणा से परिपूर्ण है, निसीम करुणा, परिपूर्ण। उसकी कोई सीमा नहीं है, समुद्र की तो एक सीमा है। आज हमने अपनी पूरी पृथ्वी को बाहर से जाके देख लिया कि पृथ्वी का गोला इतना है, समुद्र उसके अंदर है, उसकी एक सीमा है। परंतु वो जो परमात्मा है उनमें करुणा की कोई सीमा नहीं, निसीम करुणा की। वो अपने स्वभाव बस, वो अगर करुणा नहीं करेंगे रह नहीं सकते, उनका स्वभाव है करुणा करते। और करुणा में हमको क्या दिया? मानव जीवन दिया, मानव शरीर दिया। परंतु देखा जाता है पशु के बच्चे, हिरण का बच्चा है, छोटा होता है चोकड़ी भरना शुरू कर देता है। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा माता का स्तन खोज लेता है, स्तनपान करने लग जाता है। परंतु मानव के बच्चे को आपने देखा, माता स्वयं उसको स्तनपान कराती है तो स्तनपान कर सकता है। माता उंगली पकड़ के चलना सिखाती है तो चल सकता है। माता जो बोलती है, हम सब कहते हैं मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा, माता जो बोलती है वो बच्चा सीखता है। ये भाषा, अगर बच्चे को तैरना है तो उसको तैरना सीखना पड़ता है, जबकि पशुओं को कोई तैरना नहीं सिखाता। कहा जाता है कि भगवान ने करुणा करके मानव शरीर दिया और दूसरी तरफ जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ विशेष कृपा कर दी, कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं उनको प्रदान कर दी। मानव को क्या दिया? भगवान ने मानव को सबसे बड़ी वस्तु दी है बुद्धि, विवेक। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भगवान का कोई अन्य भाव से चिंतन करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या देते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, समझ देते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। हमने भगवान की दी हुई बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, इस कारण हम परेशान हैं। संसार को हमने दुखाले बना दिया। भगवान ने आनंदमयी सृष्टि का विस्तार किया, परंतु हम अभाव में, उस बुद्धि के अभाव में, हम भले ही अपने आप को बहुत चतुर, बहुत समझदार समझ रहे हैं। और वर्तमान युग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो शब्द हैं वो अक्षरशः सत्य हो रहे हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो दूसरों का धन अपहरण कर रहे हैं वो सयाने माने जाते हैं, समझदार माने जाते हैं, चतुर माने जाते हैं। परंतु संतों की दृष्टि में भगवान की कृपा से जिसके पास सद्बुद्धि है, आप पहले हमारे यहाँ जन्म के साथ बच्चे को माता पिता लाड प्यार से पालन करती थी, और पालन करने के बाद जब बच्चा कुछ बड़ा होता था, 5 वर्ष की अवस्था तक बहुत लाड प्यार देती थी और शुभ संस्कारों से उसका हृदय भर देती थी। फिर उसके बाद उसका उपनयन संस्कार होता। अभी तो ये संस्कारों की जो व्यवस्था है काफी कुछ मिट चुकी है, परंतु हम सब भारतीय संस्कारवान हैं। पाश्चात्य देशों में सभ्यता बहुत है, परंतु संस्कारों का अभाव। होता क्या है, सभ्यता सभा में बीच में हम कैसे बैठ सकते हैं, सभा के बीच में हम अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व, अपनी महत्ता, अपना गौरव कैसे प्रकट करें। केवल हमारा अंदर का अभिमान इसी कोशिश में लगा रहता है कि सभा में हमको सबसे श्रेष्ठ गिना जाए, अच्छे से अच्छा गिना। परंतु संस्कार दिखाने के लिए नहीं, हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म के द्वारा हम वास्तविक में परमात्मा की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में सही सही हमारे कर्म, हमारी क्रियाएं ऐसी हों। हरि गुरु संतन सो साचो, परमात्मा की दृष्टि में हम सही हैं। हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमको सही मानती है। देखो ऊपर के समाज के लोग कितने ही हमको प्रमाण पत्र दे दें, हम सही नहीं हैं। हमारी अंतरात्मा जब व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है तो उसकी अंतरात्मा उसको कोसती है कि तुम गलत कर रहे हो। धीरे धीरे पापाचार करते करते अभ्यस्त हो जाता है। शुरू शुरू में चाहे आप ड्रिंक लें, कोई भी मादक द्रव्य लें, तंबाकू खाएं, अच्छा नहीं लगता वो, परंतु धीरे धीरे सब लोग खा रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, अभ्यास। और फिर एक दिन ये स्थिति आती है कि उसके बिना हम रह नहीं पाते। ये जो परमात्मा ने हमको समझ दी थी उसका दुरुपयोग किया हमने। हमारे अंदर अच्छे संस्कार न होने के कारण ये अभी जो बलि के पितामह राजा बलि विरेचन पुत्र है, उनके पितामह प्रहलाद है। प्रहलाद इतना श्रेष्ठ भक्त बन गया, कुसंग ने उसका बाल बांका नहीं। राक्षसों के बीच में रहता है, उसका पिता आसवी स्वभाव वाला स्वयं नारायण से विरोध रखता है और वो प्रहलाद भगवान का परम भागवत हुआ। तो ये कैसे संभव हुआ? आज लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिस कारण से कुसंग के कारण बिगड़ गए, इसके कारण बिगड़ गए, इसके कारण बिगड़ गए। प्रहलाद को क्यों नहीं बिगाड़ा जाए? कुसंग उसके ऊपर क्यों नहीं दुष्प्रभाव डाला? उसके मूल संस्कार, उसको अच्छे संस्कार मिले और उन संस्कारों की देन है कि भगवान नारायण ने उसके पूरे परिवार आने वाले संतानों के ऊपर भी कृपा की। बलि ऐसे ही प्रहलाद के वंश में नहीं पैदा हुआ। ये भगवान की जिस पर कृपा हो जाती, जिसको एक बार स्वीकार कर लेते, उसके आने वाले वंश को सुधार देते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं ब्राह्मणों को इतना दान देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देना चाहिए। ये कौन सा ऐसा कर्म किए हैं जिसके कारण इनको दान देना चाहिए? सीधा सा जवाब है कि इनके वंश पूर्वज जागीर पा गए। जैसे प्रहलाद के ऊपर भगवान नारायण की कृपा। एक राजा है, किसी पर प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होने के बाद उसने एक भूखंड, जिसको जागीर कह रहे हैं, सौंप दी कि इतना बड़ा भूखंड तुम्हारे लिए। उसके जितने वंशज हैं वो सब उसका उपभोग करें। तो हमारे जो आचार्य हैं, जिनकी संतान है हम सब, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए जिसका हम सब लाभ ले रहे हैं, हम सब लाभ ले रहे हैं। और हम सबको सोचना है, समझना है। ये सत्संग बहुत आवश्यक है जीवन में। बिन सत्संग विवेक न, बिना सत्संग के विवेक नहीं। समझ नहीं आती है इन सब रहस्यों को। अगर हम जानना चाहते हैं, प्रहलाद को जानना चाहते हैं, प्रहलाद क्यों नहीं बिगड़ा उसका, तो ये सब हमारे आर्ष ग्रंथों में, विष्णु पुराण में प्रहलाद का पूर्व चरित्र है। किस प्रकार से माता कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आए और किस प्रकार से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और किस प्रकार से इस प्रकार के उन्होंने संस्कार पाए। इसी प्रकार राजा बलि के विषय में, बलि को कहा जाता है कि संत पुराण की कथा, राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी थे और जुए में एक बार अच्छा दाव लगा, बहुत कुछ संपत्ति हाथ में आई। व्यक्ति को अगर संपत्ति मिल जाए, अगर गलत ढंग से आई हुई संपत्ति है तो उसका उपयोग दुष्कर्मों में होने लगा। उसने सोचा अब जुए से छल करके जो धन प्राप्त हुआ, उसने सोचा कि चलो वेश्या के पास चलते, बहुत से उपहार खरीद लिए, बहुत सी भेंट सामग्री उस वेश्या को देने के लिए चला जा, परंतु भगवान की कृपा करना, बरसी ठोकर लगी, सिर के बल गिरा। देखो भगवान की कृपा करना कैसी होती है। हम सोचते हैं ठोकर लगी, गिर गए, ये भगवान ने बड़ा बुरा, नहीं, भगवान की प्रत्येक क्रियाओं में मंगलमय विधान छिपा। उस जुआरी के भविष्य को सुधारने के लिए उसके जीवन में ठोकर लगी। हमारे जीवन में भी बहुत सी ठोकरें लगती हैं, कोई समझ जाते हैं, समझने वाले समझते हैं, बहुत से ऐसे हैं, मिट्टी का ढेला ऊपर से गिरा, चूरा चूर हो जाता है, एक गेंद बॉल गिरती है, फिर उठती है। तो वो जुआरी गिरा, सिर के बल गिरा, भयंकर चोट आई, बहुत भयंकर। उसको लगा कि अब तो बस शरीर से प्राण निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में संध्या हो चुकी थी, मंदिर में खड़ी घंट बज रही थी, पास में एक शिवालय था जहां आरती हो। हम तो देखते हैं आज तो भगवान ने कृपा की है, घर घर में मंदिर हैं, फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में मंदिर होने पर भी ठाकुर जी को वंदन नहीं कर पाते। अरे भगवान ने कृपा की है, घर में ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की एक उपचार में भी पूजा हो जाती है। 16 उपचार, 5 उपचार, 24 उपचार, 36 उपचार, 52 उपचार, अरे इतने करने की जरूरत नहीं, केवल एक उपचार। पूजा करने के लिए तो हमारी माताएं बहनें हैं, पूजा कर देती। अरे पुरुषों के लिए वैसे तो भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है, शालिग्राम भगवान को महिलाएं स्पर्श ना करें। कोई ने पूछा कि क्यों नहीं करें भाई स्पर्श? हमने कहा कि पुरुष जो है ना, सब कार्य पूजा का माता बहनों को सौंप देते हैं, तो रोक लगाई कि कम से कम शालिग्राम भगवान की पूजा तो ये करे, और अगर ये पूजा करेगा तो चरणामृत प्रसाद मिलेगा, अन्यथा चरणामृत प्रसाद का अभाव हो जाएगा। चरणामृत शालिग्राम से ही बनता है, ये नहीं कि कैसे ही चरणामृत बन जाता है। 9 वस्तुएं इकट्ठी होती हैं तब चरणामृत बनता है, अकाल मृत्यु हरण जिसके विषय में आप लोग बोलते हो। तो मंदिर में घड़ी घंट बज रहे थे, आरती हो रही थी जैसी ध्वनि हमारे कान में जाती, जो शब्द हैं हमारे कान से हृदय में प्रवेश करते और वो शब्द हमारे मन बुद्धि पे अपना प्रभाव डालते हैं। जो भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है, जो नहीं भी करते हैं वो कम से कम नाम ध्वनि सुने और सुनने मात्र से उनके हृदय में जो भगवत नाम प्रवेश करेगा वो उनके हृदय के मलिन संस्कार दूर होगा। शंखनाद हो रहा था, वाद्य यंत्र बज रहे थे, आरती हो रही थी और वो ध्वनि जो है उस जुआरी के कान में पहुंची। उसके मन में विचार आया, मैं तो मरणासन अवस्था में हूं, अब थोड़े क्षणों बाद मेरा प्राण शरीर को छोड़ के निकल जाए, ये जो उपहार है इसका क्या करें, क्यों ना शिवार्पण कर दें। और उसने मरते समय अपनी जो कुछ भेंट लेके जा रहा था वेश्या के लिए, उसको मजबूरी में, कोई दूसरा चारा नहीं था उसके पास, मजबूरी में शिवार्पण कर भगवान शंकर। प्राण छूटा शरीर में से, पुर्यष्ट का निकली। दरबार में, धर्मराज के दरबार में, यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देख के बताया कि बड़ा दुराचारी है, पापाचारी है, इसने जीवन पर्यंत पाप किया, कोई सत्कर्म इसके द्वारा नहीं हुआ। परंतु मरणासन अवस्था में इसने जो भेंट वो भी गलत ढंग से उपार्जित की थी, जुए के द्वारा पैसा कमाया, उस पैसे को इसने शिवार्पण किया, भगवान शंकर को समर्पित किया। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया है, भगवान का जो बाण है ना, तूने खून मतलब कर्कश में एक होता है, करेन दस्ता, हाथ में लेते हैं तो 10 हो जाते हैं, संधान काले शतम, और जब भगवान उसका संधान करते हैं 100 हो जाते हैं, चापी भूत सहस्त्र, फिर वो हजारों की संख्या में हो जाते हैं, लक्ष्य गमने, और जब बाण छूटते हैं तो लाखों की संख्या में हो जाते हैं, कोटिष्ट कोटिर बने, करोड़ों करोड़ों का वो वध करते हैं। एतद् बाण पराक्रमस्य महिमा सत्पात्र दानम्, सत्पात्र को दिया हुआ दान इसी प्रकार से लाभ देता है। अगर आपने किसी साधारण व्यक्ति को, जिसको हम सब कहते हैं कि भाई जरूरतमंद है, देना ही चाहिए, भूखा व्यक्ति को भोजन कराना ही चाहिए, प्यासे को जल देना ही चाहिए, जिसके पास साधन नहीं है उसको विद्यादान के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जैसी परिस्थिति हो करना चाहिए। परंतु उसमें उत्तम को करेंगे आप। इसीलिए हम सब भगवान के लिए दान देते हैं और भगवान शंकर को उसने जो दान दिया था तो उसका अनंत गुना फल उसको मिला, अनंत गुना फल मिला। थोड़ा नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, लाख नहीं, अनंत गुना। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, दात्यम इति दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे तत् दानम सात्विकम कृष्ण। देश काल पात्र को देख के दान देना चाहिए। तो भगवान शंकर को इसने कुछ भेंट समर्पित की थी और उसके परिणाम स्वरूप इसको एक 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए इंद्रासन मिलेगा। इंद्रासन मिलेगा। अब उसको इंद्रासन पे बैठा दिया गया। कहा कि पाप बाद में भोगना, क्योंकि पाप तो तुम्हारे बहुत है, बहुत पाप किए, परंतु जो एक पुण्य हुआ है उसका फल पहले भोग लो 24 घंटे की बात। अब विचार किया, 24 घंटे में मैं इन भोगों को भोग कर भी क्या करूंगा? इंद्र के जो भोग हैं इनको भोग के क्या करूंगा? अगर भूल से शिवार्पण करने से आज मेरे को 24 घंटे के लिए यह लाभ मिल रहा है, तो क्यों ना जितनी भी इंद्र की संपदा है वो दान कर दो, उसको ही दान कर दो। उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और जितने भी दिव्य रत्न, कल्प वृक्ष इत्यादि सब दान कर दिए, उसने सब दान कर दिए। अब तो इंद्रासन पे बैठे हैं, जो चाहे कर रहे हैं, इंद्र की संपदा उसकी है और इतना इतना उसका पुण्य हुआ, इतना पुण्य हुआ कि प्रकृति को लगा कि इतना बड़ा दान कौन कर सकता। और उन्होंने प्रकृति ने उसको बलि के रूप में भेजा और फिर बलि ने अपना सर्वस्व दान किया है। और आपको अच्छे ढंग से मालूम है परमात्मा सर्वसमर्थ है। भगवान बलि के पास जो भी ईश्वरीय संपदा थी, बलि जो है 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्रासन पाना चाहिए। अंदर की वासना तो वही है, क्योंकि पूर्व जन्म में 24 घंटे के लिए इंद्रासन मिला था, तो फिर भावना थी कि हम पुनः एक बार इंद्र बने और लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, क्योंकि 24 घंटे में तो जो आनंद आना चाहिए था वो नहीं ले पाए। एक दिन का अवसर